दोस्तों आज आपके लिए एक और बिल्कुल ही धमाकेदार ऐप लेकर आ गया हूँ मैं, जिसके अंदर आपको जो सारे के सारे डिटेल आपको बतलाऊँगा, लाइव जो मुझे अप्रूवल मिला हुआ वो भी सारे के सारे आपको दिखलाऊँगा। भाई मेरे भाई वीडियो को पूरे वॉच कीजिएगा, तभी आपको सारे के सारे डिटेल पता चलेगी। और उसके बाद उसके अंदर की सारी जानकारी बतलाने के बाद आपको कुछ और भी बतलाने वाला हूँ मैं, तो वीडियो को ज़रूर पूरी वॉच कीजिए। और उसके बाद आगे के प्रोसेस में आपको कुछ और भी डिटेल दूंगा। उससे पहले मेरे भाई बहुत सारे भाई जो है देखिए ये भी बात कहते हैं कि यार आप किसी अलग ऐप के बारे में डिटेल क्यों देते हो। भाई मुझे बतला दीजिए अगर आपको किसी अलग, क्योंकि मैं अलग से इन चीज़ों के ऊपर अलग अलग से बार बार तो वीडियो बनाऊंगा नहीं, कि मैं अगर स्टेशन ऐप ने जो अपनी लोन की रिलीफ दिया है तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ। सिंपल से छोटी सी बात होती है वो आपको बतलानी होती है और वो आपको बतला देता हूँ। होम क्रेडिट का मैं अलग से नहीं बतलाऊँगा कि भाई अलग से एक वीडियो बना दूँ उसके ऊपर, उसकी भी मैं आपको छोटी सी डिटेल होती है वो सीधी सीधी आपको बतला देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे भाई जो हैं इन ऐप से लोन लिए होते हैं, भाई जिनको इनसे नहीं मिलता है तो उनकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिनको मिलता वो तो चाहते हैं कि हाँ भाई हमें इसके बारे में भी जानकारी मिले और हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर सॉल्व हो। तो भाई सारी की सारी डिटेल आपको बतलाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं उस ऐप के बारे में और उसके सारे प्रोसेस के बारे में। बाकी जो हमारे भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं इस ऐप के अंदर वो सारे की सारी डिटेल समझिएगा। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए ये ऐप वर्क कर रही है। तो भाई सबसे पहले तो आपको इसके अंदर अपनी कंपनी का नाम वगैरह डालना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कंपनी में आप किस पोस्ट पर हैं ये सारी डिटेल डालनी है, मोबाइल नंबर वगैरह ओटीपी करने के डालने के बाद। उसके बाद आपको जो अपने जो यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है, मंथली इनकम आपकी कितनी आती है। एक बात ध्यान में रखिएगा, मंथली इनकम आपको जितनी आती है उतनी डालिएगा यहाँ पर। अगर आप ज़्यादा डालते हैं उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह मांगा जाता है, तो उसके अंदर अगर आपका यहाँ पर लोन की वो आपकी जो डिटेल है वो मैच नहीं करती है, तो भाई यहाँ से आपका लोन रिजेक्ट आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको जो जो भी आप डिटेल प्रोवाइड करें वो बिल्कुल सही सही डिटेल प्रोवाइड करें। उसके बाद यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा कि अभी आप जो है जो ईएमआई वगैरह चल रही है नहीं चल रही, तो वो भी आपको डिटेल देना। उसके बाद आपको जो आपका अप्रूवल लिमिट मिल जाएगी, 27,000 की मुझे अप्रूवल लिमिट मिली हुई है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे अपनी डिटेल थोड़ी जो है और वो डालनी है, तो यहाँ पर चलिए आगे की डिटेल भी मैं स्टेप बाई स्टेप कम्प्लीट करता हूँ और आपको आगे बतलाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप ये सबमिट कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस डालना है। यहाँ पर करंट एड्रेस की अगर मैं बात करूँ भाई, यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, स्टेट डालनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाउस नंबर वगैरह डालना है और यहाँ पर आपको सिटी वगैरह होम टाउन वगैरह डाल के यहाँ पर आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। तो भाई जैसे ही यहाँ पर आप जो ये डिटेल डाल लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको जो नेशनलिटी अपनी डालनी है इंडियन डाल देनी है। यहाँ पर आपको पास रेफ़र कोड वगैरह है तो वो डाल देना, लिंक आपको मैं रेफ़र कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको भैया सेलेक्ट करना वर्क स्टेटस, वर्क फ्रॉम होम या जो भी आप करते हैं उस टाइप का यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है जी, चलिए मैं इसे भी कम्प्लीट करता हूँ और आगे आपको बतलाता हूँ। तो भाई जैसे ही आप ये सारी के सारे सबमिट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपनी करंट यहाँ पर आपकी डिटेल पता चल जाएगी, भाई आपको जो है मंथली आपकी सैलरी वगैरह कितनी है, नंबर ऑफ लोन आपका कितना है, यहाँ पर आपको डिटेल पता चल जाएगी, आपको इसको कंफर्म करना है। तो भाई यहाँ पर हमारे सारी डिटेल डल चुकी है और यहाँ पर हमें सीधा सीधा आ गया भैया लिखा हुआ है यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर अप्रूवल हो चुका है यहाँ पर 27,000 का। अब हमें यहाँ पर जो एक आध स्टेप और कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें जो लिमिट मिली है 27,000 की, इंटरेस्ट रेट हमारा जो है वो भैया 3% का पर मंथ का लगने वाला है। प्रोसीड टू गेट योर लोन वाले ऑप्शन पर आपको जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं। इजी प्रोसेस है, सारे का सारा आप इजी तरीके से कर सकते हैं। तो भाई मुझे फ़िलहाल में लोन नहीं चाहिए, मैंने सारी डिटेल आपको बता दी, और भी आपको जानकारी बतलानी ज़रूरी है अभी, तो वीडियो का भी पूरी वॉच कीजिए यहाँ पर। इसके बाद जो है आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर सबमिट करने हैं। तो भाई यहाँ पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर आपको देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर आपको आएगा, यहाँ पर आपको आपको वर्क ईमेल आईडी डालनी है, और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो यहाँ पर आप जो अपना एम्प्लॉयमेंट आईडी वगैरह एसटी एचआर लेटर या अदर कोई भी आप डाल सकते हैं जो आप में कंपनी में वर्क करते हैं। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और सैलरी स्लिप अगर आप सैलरीड पर्सन हैं। अगर आप हैं यहाँ पर सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड तो आप यहाँ पर अपना जो है बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। चार प्रोसेस में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डालना है, उसके विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा आपको इस ऐप से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिंपल सा ईजी प्रोसेस है, सारा का सारा मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप बता दिया। अगर आप यहाँ पर जो है इसके अंदर आप जो है
सैलरीड पर्सन है तो आपको यहाँ पर इनमें से कोई चूज़ कर लेना। अगर इनमें से भी नहीं है तो आपको भाई यहाँ पर वर्क ईमेल आईडी आपको चूज़ कर लेनी है। यहाँ पर आपके जो जहाँ पर आप वर्क करते हैं वहाँ पर आपको वर्क ईमेल आईडी मिल जाएगी, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। आपको इस इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों में से आपको एक डालना पड़ेगा, या तो आपको वर्क ईमेल आईडी या आपको जो है इसके अंदर अपना डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बता दिया एम्प्लॉयमेंट आईडी या एचआर लेटर या कोई अदर ऑफिस का कोई लेटर वगैरह हो तो वो आपको डालना पड़ेगा। चलिए प्ले स्टोर पर जाके और डिटेल आपको बतलाता हूँ कहाँ कहाँ ये वर्क कर रही है, कौन कौन सी जगह पर आप ले सकते हैं इस ऐप से लोन। तो मेरे भाई यहाँ पर आ चुका हूँ मैं इस प्ले स्टोर के अंदर। इस ऐप से आप टोटल 1,00,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर एक दिन के अंदर अंदर आपको मिलता है, यानी कि 24 आवर्स मैंने आपको बता दिए। मिनिमम आपकी सैलरी जो है 12,000 से ऊपर होनी चाहिए, 12,000 से ऊपर आपकी सैलरी होनी चाहिए मंथली का आपका दिखना चाहिए कि हाँ भाई 12,000 से ऊपर आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से आपको 2,500 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का मिलता है, 3 महीने से लेकर 12 महीने तक के ही आप आसानी से ले सकते हैं इसको। यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट लगता है 2% से लेकर लगभग 3% तक के आपका लगता है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ से 250 से लेकर 500 लगता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है भाई, अगर आपको 20,000 रुपये का लोन आपको 6 महीने के लिए मिल रहा है तो आपका जो है ये कितना बैठेगा और प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगाकर कितना बैठेगा, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल दी हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप इनकी सारी के सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये किस किस ये स्टेट में वर्क कर रही है, ऑल इंडिया में ये वर्क नहीं करती है, सिलेक्ट सिटीज़ में वर्क करती है। तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ लगभग 8-10 सिटीज़ में ये ऐप वर्क करती है, 8-10 स्टेट के अंदर। तो आप जो उन स्टेट से अगर हों तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पुणे है, यहाँ पर दिल्ली है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, मुंबई है, चेन्नई है, चित्तौर है, इंदौर है, कोलकाता, मुंबई और ऑल अदर सिक्योरिटी। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये कुछ ही सेलेक्ट सिटीज़ हैं। तो भाई इस ऐप से आपको इसी तरीके से लोन मिल जाएगा। ऐप का नाम है नीरा इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। नीरा जैसे आप डालते हैं तो भाई यहाँ पर आपको ये लोगो दिख जाएगा, इसको डाउनलोड आपको कर लेना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे भाई, 1 मिलियन प्लस के डाउनलोड और 4.3 की रेटिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 तारीख को इन भाई को लोन मिला हुआ है यहाँ से, तो इसका मतलब है कि भाई ये ऐप अच्छा खासा वर्क कर रही है, लॉकडाउन में भी आपको लोन प्रोवाइड करवा रही है, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ से नहीं होगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।